अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब? तो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी ना, कुसुमा के ड्रेस को लेके बहुत सारी कंफ्यूजन, टेंशन, बहुत सारा। वैसे तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं क्या पहनाऊंगी उसको, लेकिन अभी मेरे घर में आया है दूल्हा, दूल्हे राजा आए हैं बाबा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम। यार बहुत लोगों ने दुआ दी, बहुत तारीफें की इसके लिए, थैंक यू। अरे बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत अच्छे देवर हैं, बहुत अच्छे। लेकिन सही बोले तो ये जो भी टाइम ना मेरे को मिला था 2-3 महीना पहले हम लोग ने शूट किए थे, अभी भी बहुत से लोग कंफ्यूज है। अरे अभी तो ये शादी बोले अभी होने वाली है, लेकिन फिर अभी वीडियो में बोल रहे 2 महीना बाकी है, 3 महीना बाकी है। तो वो जितने भी अपने वीडियो है ना, अपने 2 से 3 महीना पहले शूट किए। भाईजान का वीडियो देखना, जो भाईजान की वीडियो के लिए कपड़े के लिए इतना टाइम गया ना उसमें। फर्स्ट 10 मिनट पहले वाले में मेरी दाढ़ी छोटी थी, फिर थोड़ी बड़ी हुई, और फिर 15 मिनट के बाद मेरी दाढ़ी बड़ी हो गई। तो कम से कम 20 दिन गया भाई के वो कपड़े ढूंढने में। 3-4 राउंड लगाया इसने। और मैंने मेरे ना आजम को देख के शौक हो रही, 2-2.5 महीने 3 महीना हो गया ना, ऑलमोस्ट कितना छोटा दिख रहा है एड्रेस है वो। कल ना रियाज का वीडियो आया स्ट्रीट फूड जायका पे, जिसपे हमारी शॉपिंग हो रही थी, उसमें मैंने आजम को देखी ना, तो आजम तभी कितना छोटा दिख रहा था। तो ऐसा है, आप लोग सोच रहे हैं अभी ताज़ा ताज़ा ब्लॉग है, ये वाला ताज़ा है, ये जो बन रहा है ये ताज़ा है। ये लास्ट के 3-4 वीडियो आपको जो मिले वो ताज़े हैं, लेकिन जो शॉपिंग वाले थे वो पुराने थे। अब आपको ताज़े ही वीडियो मिलेंगे। तो ऐसा है, तो अब मैंने यही कपड़े निकाली पहले रियाज तेरे को शेयर करती हूँ मैं। तूने मेरे और तेरे भाईजान के कपड़े के लिए मैचिंग होने को बहुत मेहनत की, मैंने भी की, देख रोशनी आ रही पीछे से, तो बहुत मेहनत किया ना। यूसुफ का भी अम्मी बोले के भाई तू जाके दिला दे, लेकिन मैं ना आपा इतना वो हो गया ना काम में, कंफ्यूज एकदम। अभी ना मेरे को अकेला पंची है, मैं अभी बोला अम्मी तुम जाओ, मतलब भाई और तुम जाओ, उसमें यूसुफ को जो दिलाना है दिलाओ, जो मेरे से लगता है ले लेना। भाई को शादी की पीछे जाने दिया, भाई की शादी बाद में लगे थे ना, तो भाई को भी समझ में आ रहा था कि मेरी शादी अभी 3-4 दिन में थोड़ा आराम दिया हो। अरे बोलते ना 1-2 महीना पहले नहीं, अरे मेरी शादी है, मेरी शादी, वो वाली फीलिंग नहीं थी। तो अभी ना मैं अभी रियाज को ना कपड़े शेयर कर रही हूँ, दिखाती हूँ उसको भी वो क्या सेलेक्ट करता है शादी और वली में के लिए। ठीक है, एक ड्रेस ना मैंने ये वाला चूज की, ये है चनिया, मतलब वो चोली है। ठीक है, इसमें पेट कवर हो जाएगा ना? पेट तो पूरा कवर हो रहा है, एक साइज बड़ा ही था ये, मैंने इसको अल्टरेशन भी कराई, अल्टर कराई और ये थोड़ा कटवाई भी मैंने, ताकि वो अच्छे से कंफर्टेबल हो। और ये फुल जैकेट है चोली के ऊपर, तेरा भी ऐसे जैकेट वाली जैसे ये रहे। देखना मैंने इतना वो चूज करके लिए, इतना पसंद करके लिए, इतना सेलेक्ट करके ली, लेकिन बाद में क्या हुआ मैं तुझे बताती हूँ। 3200 रुपए का वो, और तेरे को बताती हूँ, ये वाला एक ड्रेस ली और एक ये वाला ड्रेस ली। ये कलर बहुत मस्त लग रहा है, इंग्लिश कलर है ना, थोड़ा सी डार्क और आंवले के कपड़े थे, लेकिन कहीं ना कहीं मैचिंग ही थे, है ना, मेरे वर्क से भी मैच हो रहा है उसका ये कपड़ा। और मैंने ना लुक के लिए ना नेकलेस भी खरीदी थी इसके लिए, ये वाला पिंक एंड ग्रीन, और इसके लिए ये वाला नेकलेस भी खरीदी है। अब दोनों को अल्टर करा के मंगाई मैंने। तू कौन सा पहनाएगी? तू देख तो सही, अभी ये शॉर्ट हो गया, उसके बाद शेरू ने लिया अपने कुंजवा के लिए, वो शादी वाले। अरे सेम कलर, अरे उसको दिखाओ, ये कपड़े मैंने ऑलरेडी दिखाए, सेम कलर हो गया। तो तू बोलेगी भाई को बताई, मैंने फोटो भेजी थी, सेम कलर सेम ग्रीन कलर। और शॉर्ट तो सुन, मैंने जो कपड़ा पसंद की ओवरकोट वाला, ग्रीन वाला, मेहंदी ग्रीन वाला, सबसे पहले शेरू ने भी वो दिखा था तेरे वीडियो में, मैंने देखी। और वो वाला यार पिंक वाला, हाँ दूसरा वाला, भाभी देखो कैसा, भाभी देखो कैसा, दोनों ड्रेस मेरे भाइयों की पसंद से आए, देखा जाए तो मेरे को शेरू ने ओवरकोट वाले में हाथ रखा था, देख नूर करके, नूर ने देखी नहीं, है ना, मैंने देख लिया और मुझे पसंद आ गया, मैंने बोली मेरे को ये पता नहीं था बाबा, बाद में जो किसी को भी नहीं पता था, सच बोलूं तो कौन क्या लेने वाला है ये किसी को भी नहीं मालूम। और फिर बाद में रियाज ने भी वो भाभी को छेड़ने के लिए दिखा रहा था, वो भी वीडियो मैंने बाद में देखी, जब तक के मेरा कपड़ा सिल के तैयार भी हो गया, और रियाज ने मुझे बताया भी नहीं कि ये भाभी के साथ में मस्ती कर रहा है, सच्ची बोलते याद भी नहीं था ना कि तुमने, देख मैं वीडियो में भी बोला कि तू क्या पहनने वाली है, जाने दे कुछ सीक्रेट है, मैं बाद में ही रखता हूं। अच्छा लेकिन नहीं वो मेरे को अच्छा लगा था, मस्ती के कलर मेरे ना पसंद भी था, वो अगर भाभी ले लेते ना तो भी मैं खुश होता था, क्योंकि मुझे अच्छा लगा था, पर इसने मुझे रिकमेंड नहीं किया था कि मैं वो ड्रेस लूं। तो क्या होता था जब भाभी ने लिए ही नहीं, मैं फिर आपा को बोलती भाभी ये लेने वाले थे, तो एक ना आपा की नहीं, हर किसी की सोच बन जाती, नहीं जानते ये वो लेने वाली थी ना, मैं ये ले लेती, कोई और ले लेती, इसलिए मैं आपा को बोला नहीं, और लेकिन वो कपड़ा अच्छा था। मैं वीडियो में देखी ना यार, मैंने दोनों बेटे अपने भाइयों की पसंद, मतलब देखा जाए भाई की पसंद, इसका मतलब ये हो गया कि हम तीनों भाई बहनों की पसंद जो एकदम मिलती है। अब जीने का मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने वीडियो में देखा नहीं है ऐसा कुछ भी, तो देखिए उसने ना शरारा लिया, अब क्या हो रहा है
ये जो है एकदम प्रॉपर साइज आ रहा है उसमें को, ये पीट करने के बावजूद भी ऐसा नहीं आ रहा। ये आंख अच्छा रहा, लेकिन लुक वाइज देखा जाए ना हैवी इसमें लग रही है। ठीक है, ये हो गया ये दो ड्रेस। अब एक और ड्रेस बताते जो कि शेरू ने लेके आया, ये ऐसा तो जीना बगी की शादी में भी लिया आया था उसने, ये कलर का। नहीं नहीं लाया था, शादी में कौन सा होना चाहिए। मैं तो एक ही बात मानता हूँ, कपड़ा अच्छा वाला पहनने से अच्छा ना आंख पे अच्छा लगे वो पहनना चाहिए। मेरा तो वही है, मैं अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े छोड़ देता हूँ, 200 लगे। लेकिन ये दोनों में से कोई एक पीना शादिया, वो दोनों में से कोई एक पीना। शॉर्ट क्या हो रहा है ये दोनों अच्छे आ रहे हैं? नहीं, ये दोनों को मैं हटा दी। लेकिन ये मैं लेके चलूंगी साथ में, लेके चले यहाँ से है ना। हाँ, क्योंकि ये तो परफेक्ट आ रहा है, वहाँ पे तो ना तो छोटा हरा, हरा भी है ना, तो वहाँ पे एक रस्म भी होने वाली है, हल्दी की या भी मेहंदी की, ग्रीन भी पहन दे उसमें से एक पिना देना वहाँ पे शाम में। तो इसमें ये वाला तो कंफर्म मैं लेके चलूंगी, क्योंकि ये उसको इतना परफेक्ट आ रहा है ना कि मैं पिना दूंगी। ठीक है, और शादी वाले दिन ये वाला पिनाऊंगी, वाली में वाले दिन ये वाला। ये तो सेम हो गया भाईजन के, ये सेम भाईजन के। देखा जाए ना हम लोग का तीनों का कलर है तो एक ही, लेकिन दोनों ने ना ऊपर नीचे ये अच्छा लगा। अच्छा भाईजन का अच्छा लगा देखो, मस्त था मस्त। लेकिन मेरे को पहन के तो नहीं दिखाई थे उन्होंने, लेकिन मुझे अच्छा लगा। वो वाला शर्ट अच्छा लगा था, लेकिन जान मैचिंग के चक्कर में कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता थोड़ा बहुत, तो सही था लटकी ना मैं शादी में ये वाली में। हल्का तो नहीं लग रहा है, दोनों अलग ही जा रहा ना पैटर्न, ये नायरा में आ रहा है और ये गाउन में आ रहा है ना। ये उठा के रख देंगे, थोड़ा अभी भी दिखाया तो थोड़ा बड़ा है। हाँ। और ये एकदम परफेक्ट आ रहा है तो ये लेके चलते हैं। और वैसे भी उसमें के पास ना एथनिक वेयर इतने हैं ना, अभी मैंने बक्सा निकाली तो मैं लेके ही चलूंगी पिना भी। और आजम का आया, आजम के कपड़े तो देख अभी शेरू ने ला के दिया, मैंने तो ऐसा कुछ शादी के लिए उसकी अभी शॉपिंग नहीं की, तो वो जो लाया ना वो मैंने अभी आंख पे भी डाल के नहीं देखी हूँ, लेकिन अच्छे है कपड़े डाल के देख लिया, छोटा हो तो अपन करा सकते हैं। वैसे भी ना सारी शॉपिंग है ना अम्मी और अम्मी लोग की तरफ से ही आ रही है, बच्चों के लिए भी, हमारे लिए भी, सबके लिए। आजम की शॉपिंग भी अम्मी रियाज लोग ने ही करवाए थे सब लोगों ने मिल के, तो ऐसा है। मजा आ गया, तेरे को कैसा लग रहा तेरी शादी जैसे जैसे नजदीक आ रही, तेरे को कैसा लग रहा है? देखना ज्यादा टाइम नहीं है अब बस अभी हल्दी लगने वाली है, हम डेट डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि शादी में और हल्दी में तो होती रह जाएगी, फिर सब्सक्राइबर तो ही मिलते रह जाएंगे। बुरा नहीं मानना है, बहुत लोग ना, मैं एक चीज क्लियर करूंगा कि अपने हैदराबाद से मुझे बहुत से कमेंट्स आए कि भाई कहाँ है शादी, कब है शादी, जरा बुलाओ हमको भी आना है। तो लोगों को मैं सॉरी बोलना चाहूंगा क्योंकि शादी हमारे, मेरी ना बैटरी चली गई थी फोन की, तो हम लोग चार्ज पे लगा दिए और हम लोग चाय वाय पीने के लिए, चाय वाय पी के अभी फारिग हो गए, फोन में चार्जिंग हो गई है, तो मेरा भाई कुछ कह रहा है। हाँ, तो मैम अपने सब्सक्राइबर जो अपने हैदराबाद के प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर है ना, बहुत से लोगों ने कमेंट्स किया कि यार कहाँ शादी है, कब शादी है, हमें भी शादी में बुलाओ, शादी में हमें भी आना है। तो वो लोगों को मैं सॉरी बोलना चाहूंगा क्योंकि शादी का जो फंक्शन होता है ना वो दूल्हे वालों के साइड से नहीं होता है, वो लोग अपने हिसाब से करते। तो मैं अभी आप लोगों को कैसे दावत दूं, मतलब किसी का होता है ना। हाँ, तो मैं अभी आप लोगों को कैसे दावत दूं, तो मैं शादी में अपने हैदराबाद वाले सब्सक्राइबर लोगों को सॉरी बोलना चाहूंगा कि मैं दावत बिल्कुल नहीं दे सकता। हाँ, मुंबई में अगर आना चाहते हैं वली में यानी कि रिसेप्शन में जो कि दूल्हे वाले करते हैं, तो आप आ सकते हो, लेकिन हैदराबाद में सॉरी मैं डेट तो बता दी तुमने, अब ये भी कमेंट करके नहीं बताया, तो फिर कैसे आएगी हम लोग। तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो क्योंकि मैंने कुछ अपने जो मोहब्बत वाले मतलब होते ना, जो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किए बहुत लोगों ने किए, लेकिन जिसको वलीमे में आना है ना, तो वो लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किए, तो उनमें से मैंने कुछ लोगों को रिसेप्शन में भी बुलाया, तो मैं फिर एक बार वो हैदराबाद वाले लोगों को जो अपने सब्सक्राइबर जो बोल रहे थे कि हमें आना है, हमें भी बुलाओ दावत में, बुलाएंगे नहीं क्या, तो सॉरी यार अपन नहीं बुला सकते है क्या, नहीं समझो ये चीज को गलत वे में बिल्कुल मत, हम लोग खुद जा रहे बारात लेके, गलत वे में बिल्कुल नहीं लेना कि रियाज भाई ने ऐसा बोले, लेकिन मेरा तरीका गलत हो सकता है लेकिन अल्फाज नहीं।
तुम समझना ये चीज को, फीलिंग्स गलत नहीं है, शब्द इधर उधर हो जाते कई बार, तो उसको समझ के ले लेना आप लोग, ऐसा है। बाकी आप लोग की बहुत सारी दुआएं मिली मेरे भाई को, ऐसे दुआएं दे दो जैसे मतलब उसका जोड़ा है जो हमेशा सलामत रहे, जो अभी शादी होके हम लेके आएंगे हमेशा अच्छे से खुश रहे, मिलजुल कर रहे हैं, ऐसा बहुत सारी दुआएं आ रही भाई, बहुत बहुत प्यार कर रहे हैं सब लोग। तो बस अभी वो निकल रहा था, मेरे फोन की चार्जिंग हो गई तो हमने आपसे बात कर लिया है, लेकिन मेरे को तो कुछ शेयर करना, बताऊ मेरी दुल्हन के लिए ना जो ली थी ना वो, इसको मैंने अभी तक दिखाई नहीं, तो मैं अभी तो दिखाने इधर ही बालकनी में ही आके इन लोग को मत निकालना, इन लोग का ही घर है। ओके ठीक है, पूरा बालकनी। अच्छा मैं लेके आया था, मैं डर गया, मेरे को मिल रहा नहीं था, जो आवे मुझे सही में नहीं मिल रहा था, मैं डर गया, पता नहीं मैंने कहां रख दिया था। माशाल्लाह, ये कब लिया पत्र में जाके? ये जब मैं अंगूठी लेने गई थी मेरी, उस पे ना पूरा व्लॉग बने हुआ है। इसके साथ एक नेकलेस भी देखी थी मैंने, वो नेकलेस ऐसे ही पेंडेंट ऐसी इयररिंग के साथ था, बट वो नेकलेस था डिजाइन वाला सेम वजन में था, बट बोली नहीं नेकलेस नहीं, नेकलेस नहीं, ये डेली वेयर में भी पहन सकती है और चेन का भी ऐसा पेंडेंट नहीं पहनना करवा, वो तो चेन लग सकती है। अच्छा चेन भी ऐसे, चेन भी पहन सकती है, कान का भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो कभी ऐसा पहने तो लच्छे में अटके नहीं ना। हाँ हाँ हाँ, मस्त है। अपने भाभी को भी गोल्ड दी थी ना। हाँ, अन्ना जीनी को भी दी थी ना। अगर नहीं पसंद जीनी को, अन्नू को नतनी दिए थे क्योंकि उसको नत चाहिए थी, मतलब ऐसा उसकी ख्वाहिश थी कि वो अपनी शादियाँ पहने, और जीनी को तो फिंगर रिंग और इयर रिंग दी थी, तो लोगों ने मुझे बोला था कि ये तुमने कैसा कॉम्बिनेशन उठा लिए, मतलब फिंगर रिंग और इयर रिंग। तो मुझे पेंडेंट सेट का आइडिया जीनी की शादी में लोगों ने कमेंट करके दिए थे, तो मैंने अपनी छोटी के लिए पेंडेंट आइडिया किसी और के लिए था और काम किसी और के लिए। लेकिन पसंद आया ना, देख मैंने ना ये स्क्रू बदलवा के ली, ये बहुत मोटा था यहाँ का, उसके कान में नहीं घुसता था, तो मैंने ये बदलवा के ये वाला सोने के स्क्रू वाला सही है ना, पहनेगी ना डेली वेयर में पक्का ना। देख आज ना मैं मेरे भाई के साथ शेयर कर रही हूँ, मैंने ना मेरे को सही बोलू तो अभी मेरे को खुद टाइम नहीं मिल रहा है, आज तो मैं टाइम है वो जल्दी वीडियो वगैरह देखता नहीं हम लोग ना, सही में एक दूसरे की वीडियो देखने का टाइम नहीं हो पाता, लेकिन मैं फिर भी कभी कभी थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के ऐसा देख लेती हूँ, लेकिन अभी कैसा उन लोग की लाइफ ज्यादा बिजी है, तो मैं सोची चलो वीडियो तो नहीं देख रहे, तो मैं सामने तो दिखा दूँ की मैंने कुछ लिया देखिए। अच्छा बड़ा रहता है, पतला रहता है, ऐसा दबाओ ना चपटा हो जाए, ये वजन से मालूम पड़ता है ठस है, मोटा है, मस्त है। पेंगे तो बता भी आ रहा है, एक सिंगल ब्रेसलेट नहीं है, ये डबल सिंगल बनाया है तेरे भाईजान की पसंद। मैंने ना पतला वाला पसंद की थी, छोटा सा कड़ा था, और लेकिन उन्होंने बोला तेरे हाथ में ये अच्छा लग रहा है, तो मैंने ले लिया, बजट तो टूट गया, अच्छा खासा बजट टूटा ये लेने के चक्कर में। एक अंगूठी तेरे भाईजान की पहन ले, पहले बोले मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए, जब मैंने अंगूठी के लिए ली ना तो उनको अच्छी लगी, मेरे लिए अभी पहने रहोगे ऐसा अच्छा लग रहा है ना। अभी मैंने ना देख हर महीने ना पगार आ रही ना, कैसे कैसे करते तुम्हें कुछ ना कुछ ले, ये भी ली जा रही हर महीने, मतलब जैसे कुछ ना कुछ हो रहा है, करना पड़ता है। देखो इसमें थोड़ा सा मुझे है ना एक काम कराना पड़ेगा, ये हार्ड गिरा है। अच्छा हाँ रे, यहाँ का ना ये हार्ड गिरा हुआ है, नहीं नहीं देखी थी, तो बाद में सुनार को बताई, मैं तो सुनार बोला लाओ मैं इसका हार्ड लगा देता हूँ, 3 दिन हो गया लेके, और मैंने इसको उस दिन पहना निकाल दिया, मैं बाद में वो बोले नहीं कि तुमने क्या करते, उसको बोल दिया, वो बोले लेकर आओ मैं बना के इधर हाट लगा देता हूँ, होएगा उसका कुछ 10-20 मिली होएगा, तो उसका पैसा ऊपर से दे देंगे आपको, लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा ना, बीच में खाली लग रहा है, इसलिए निकाली थी। सही में यहाँ से तो मालूम नहीं, बहुत प्यारा लग रहा है लेकिन माशाल्लाह। नहीं मैं देखो अल्लाह के बदले में मेरे भाई को ना अल्लाह ने दिया सब कुछ है, दौलत है, शहरत है, इज्जत है, मेरे पूरे घर वालों को, पूरे घर वालों को, अभी ना रिश्तों को ना ऐसे
सोने गहने कपड़ों में ना तोला ही नहीं जा सकता, समझ में आया? ये बोलता ना अपनी अपनी खुशी होती है, कभी ने तो पूछी थी तेरे को क्या गिफ्ट चाहिए, तो बोलता है क्या चाहिए था, नाकी पुली नौ तोले का हार। मेन क्या हुआ कि याद आ गया, अपना थोड़े दिन पहले ना शॉर्ट वीडियो डाली थी, नौ तोला भी नहीं, शायद वो बड़ा था, बड़ा था। तो मेरे को पूछ रही कि क्या चाहिए बता, और हमेशा मेरे को बहुत पहले से पूछती है कि क्या चाहिए बोल, और मैं हमेशा सही बोलता रहा आपा नहीं कुछ नहीं चाहिए। क्या है ना, जब मैं लोग साथ रहती थी ना शादी के पहले, तो मुझे सबकी जरूरत पता होती थी कि हाँ मेरे भाई को, और गिफ्ट का मतलब यही होता है कि जो उसकी जरूरत है वो दो। तो असल में गिफ्ट के मायने होते हैं, क्योंकि वो देख कर ना इंसान के चेहरे में ना खुशी डबल हो जाती है कि मेरे को इसकी जरूरत थी और ये मुझे मिल गया, है ना रियाज? लेकिन क्या ना अल्लाह के बदले में हमने सबकी जरूरत का सामान सब अपने आप से एक एक चीज डबल डबल टिबल टिबल ले लेते हैं, तो अभी गिफ्ट देने के लिए समझ में भी नहीं आता कि क्या लू क्या दू। अभी भी मेरे को कंफ्यूजन है, पहले मैं लोग खुद कपड़े लाती थी तो मुझे मालूम था लोगी पसंद क्या है, लोग कैसे कपड़े पहनते क्या पहनते, अब मैं उसे ये पूछी, अभी शादी हुई भी नहीं लेकिन पहले तो मैं प्रिपेयर होना चाहती हूँ, लेकिन ये बोल अभी से जुमागी का पूछ रही है कि देखो जुमागी में क्या चीज़। देखो जुमागी में मैंने शेरू की भी जुमागी की थी, तब तो चलो ठीक है, अब इतना पता भी नहीं था, वैसे मुझे कुछ पता नहीं रहता है क्योंकि मैं ज्यादा ये रसम घर की बड़ी मैं खुद हूँ, और मेरे टाइम पे तो इतना कुछ हुआ नहीं, क्योंकि नहीं होने की वजह होती ना अपना ससुराल ही नहीं है भाई, सीधी बात जो है मायके से ही निपटा हुआ सब चीज, तो मैं वही पूछ रही हूँ बता दे भाई क्या, नहीं तो तू मेरे साथ जैसा तेरी शादी की शॉपिंग के लिए तू मेरे को लेके आना। अरे नहीं अपा शादी के बाद आराम से, जुम्मा की शादी में तू मेरे को शॉपिंग नहीं नहीं जुम्मा की नहीं समझ रहा है, तो मैं टुवाल उड़ा दूँ तुझे। हाँ चलो अच्छा वाला लगी ना, और जिसमें आग में छुपे नहीं पूरा पसीना पोंछे, बेसन का लेके दूँ तुझे टुवाल, टुवाल चलेगा, टुवाल चलेगा, तो मैं दुल्हन के लिए मस्त वाला ड्रेस बुनूंगी इंशाल्लाह, ठीक है दो चार दिन आप वहाँ पे भी रुके, फंक्शन वाले दिनों में आना जाना नहीं करो, वहीं रुको, निकाल टाइम और रुक जा, मतलब तू भी फील करना भाई। अरे बाजू में तो घर है बे, हाँ तो वही तो बात है, रात को 12 बजे जब सोने जाएंगे तब वो पार्टी यहाँ पे सोएगा, यही मत सो तो रात को भी जागरण करने वाले सब लोग, तो रहना वहाँ पे वो भी माहौल अलग ही रहता है, शादी का माहौल अलग रहता है, एकदम वाइब होगी। और कौन सा मतलब जो मेरा बेडरूम है ना जिसमें अपना कबाड़ पलंग आ गया है वो खाली से रहता है, और उल्टा उनको बहुत खुशी होगी कि उनकी बड़ी बहन रुकी है ये मोमेंट पे, एक भी मोमेंट मिस मत करो, बहुत अच्छी बात है, और बहुत नसीब वाली बहन हो भाई ऐसा बोल रहा है, माशाल्लाह इंशाल्लाह। और रही आजम की जिम्मेदारी, थोड़ा बहुत मैं संभालूं, मैं बच्चों को से मेरे को बहुत लगाव है क्योंकि ऑलरेडी वहाँ एक है, सही में मस्ती नहीं कर रहा हूँ। हाँ ठीक है हाँ बुलाता हूँ, देखी बुलाया नहीं भी आया तो समझना कि ये शादी से पहले वाला आखिरी करके जा रहा है वो काउंटर क्लोज, ये अभी मैं बैचलर हूँ, दो दिन घूम के आते प्री वेडिंग पार्टी लेंगे ना और क्या, बराबर बराबर अच्छा हो याद दिलाएगा, क्लोज नहीं करते शादी के कपड़े, घर पे नहीं आए अभी तक, कपड़े घर पे नहीं आए अभी तक, अल्टर पल्टर चल रहे, कैसे करेंगे, रात को निकलेंगे सुबह में पहुंचेंगे, होटल की भी 4-6 घंटा आराम करेंगे, सुबह में घूमेंगे तो रात की ट्रेन जो प्लेन वगैरह पकड़ के आ जाएगा, देख लिए देख लिए, मुश्किल है सच में, 8 बजे भी जाना है। तो गाइस अच्छा लगा देखो आया, अच्छी मुलाकात हुई, हम लगती है अभी तो देख भाई ऐसी रहने का, शादी के बाद भी देखो मैं तो ऑन कैमरा बोल रही हूँ, शादी के बाद भी मैं बहन का टाइम बहन का होना चाहिए, ज्यादा भी पैसा नहीं दे सकते लेकिन थोड़ा थोड़ा रखने का, हाँ अलहमदुल्ला।
चलो मैं बहुत नसीब वाली हूँ, एक्चुअली हम लोग चारों भाई बहन बहुत नसीब वाले हैं कि हम लोग को ऐसे एक दूसरे को भाई बहन मिले। सही बात है, है ना, भाई बहन और अम्मी अब्बा। अम्मी अब्बा भी एक्चुअली उनकी वजह से, अम्मी अब्बा की वजह से अपन ऐसे है ना। अगर अम्मी अब्बा ही अपने को ऐसे नहीं रखते तो अपन ऐसे थोड़ी ना रहते थे। तो गाइस चलो ये वीडियो तो यहीं पे एंड करते, बहुत बातचीत हो गई हमारी, बहुत काटना पड़ेगा अपन नसीब वाले यूट्यूबर भी जो अपने वैसे सब्सक्राइबर मिले। हमारी फैमिली हमारी रिलेटिव से बढ़ के हमारे लिए सब्सक्राइबर। सही बात है, हमारी खुशी में जितना आप लोग खुश होते ना, ऐसा हमने जल्दी किसी को देखा नहीं करीब वाले लोग को खुश होते हुए, हक से नहीं डरते बोलने से, क्योंकि ये हकीकत है। तो आप लोग ने जितनी दुआएं दी है ना, शायद वो दुआ पता नहीं किसकी लगी हमको, बोलते ना मेहनत के साथ साथ दुआ की बहुत असर करती है, हाँ लगती है, किसकी मुबारक जबान है। ये जो भी है भाई, हमारी मेहनत सेकंड है, पहले लोगों की दुआ है। दुआ वो दुआ ने हमको इस, बोलते ना हमारे मेहनत से मुकाम हासिल करने के की वो दी है, काबिलियत जो है वो दुआ की वजह से ही हुई। कोई चीज होता है ऐसा। थैंक यू गाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अल्लाह करे आपके घर में भी ऐसी खुशियाँ हमेशा आती रहे जैसे हमारे घर में, हम भी जैसे मुश्किल और मुश्किल हालत से गुजर के मेहनत के साथ साथ आगे बढ़े, आप लोगों को भी अल्लाह उतना नवाजे। हाँ। मेरी तो हमेशा यही दुआ अल्लाह ताला से। तो चलो अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना, अपनी दुआ में याद रखना, बाय बाय। बहुत सारी दुआ देना, अल्लाह हाफिज। और लाइक भी करना। माशाल्लाह आजम नींद में सो उठ गया, आजम सो रहा था। हाँ चिल्ला मत, आज नया कपड़ा पहना आजम ने, आप लोग ने बोले ना बड़ा कपड़ा पहना दो तो मैंने पहना दी। आजम भाई जरा बाजू में बढ़ो, ये देखो ये दोनों सेम सेम दिखते, देखो इधर देखो इधर देखो, तीनों के तीनों यही देखो। वो देखो देख रहा ये बाबा। नहीं उसको लग रहा है सेम, नहीं उसको लग रहा है मेरे आईने में इतना बड़ा कैसे दिख रहा है। मामू है बेटा। हाँ भाई।